वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छिंदवाड़ा में थे। उन्होंने बीच सभा से शिवराज सिंह और प्रदेश भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की ये चुनाव करीबन 8 सालों के लंबे अंतराल के बाद हो रही है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मैदान में उतरे प्रत्याशी वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं, कहीं पर वोटरों को लुभाने के लिए साड़ी बांटा जा रहा है तो कहीं पर 500-500 रुपये के नोट। इसी बीच जो हमारे नेता लोग हैं वो तमाम रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं ताकि अपने प्रत्याशी को वो जिता सके। इसी बीच कमलनाथ शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधे हैं। वहीं उन्होंने बड़ी घोषणा भी की है। कमलनाथ ने कहा है कि अगर उनका मेयर जीत कर आता है तो हम सभी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेंगे। यह बात उन्होंने इंदौर में भी कही थी और एक बार फिर कह रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता में कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। जबलपुर में निकाय चुनाव में इंटरेस्ट न होने के अपने बयानों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा है कि मेरे बयान से शिवराज की पीठ में क्यों दर्द होता है, निकाय चुनाव में इंटरेस्ट होना ना होना मेरा विषय है। वहीं कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि अभी एमपी की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी जीत कर आई है, लेकिन सीएम शिवराज तो झूठ बोलने में पहले ही वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। वहीं उन्होंने बहुत सारे तमाम वादे किए हैं कि अगर उनकी जीत होती है तो वो ये सारी चीज़ें करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये हमने तय किया है कि जो नगर निगम में दैनिक वेतन भोगी हैं, सब कर्मचारी हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे। ये मैंने गौड़ में भी कहा था। ये सब जगह जहाँ कांग्रेस का मेयर बनेगा, हमें तो लग रहा है बहुत सारे जगह, लगभग सब जगह मैं ऐसी फजूल बात शिवराज जैसे नहीं करना चाहता हूँ, कलाकारी की बात, जहाँ हमारी नगर निगम बनेगी वहाँ हम एक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। उस एडवाइजरी काउंसिल में पत्रकार होंगे, अधिवक्ता होंगे, शिक्षक होंगे, प्रोफेसर होंगे, हर प्रकार के लोग होंगे उस एडवाइजरी काउंसिल में, क्योंकि जो वार्ड से जीता है उसका सीमित विजन रहता है। बहुत सारे मेयर का भी सीमित विजन रहता है कि उनको फायदा मिले और इससे भ्रष्टाचार भी एक्सपोज हो। एडवाइजरी काउंसिल के हम नियम बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी देंगे और उनकी मीटिंग लगातार करवाएंगे, इसके नियम बनाएंगे ताकि हमारी नगर निगम का कार्य और अच्छी तरह चले। वही आपको बता दें कि कमलनाथ ने इससे पहले कहा था कि 18 साल के शिवराज 18 साल के कार्यकाल के हिसाब से नहीं बल्कि डरा धमका कर वोट मांग रहे हैं, ये उनकी हालत है। बता दो कि शिवराज कौन होते हैं विकास कार्यों की राशि रोकने वाले, या तो एक सिस्टम है जिसके तहत राशि मिलती है। वहीं शिवराज सिंह चौहान टेलीविजन के कलाकार हैं, उनके पास विजन नहीं है। सरकार विजन से चलती है ना कि टेलीविजन से। जनता सच्चाई को जान चुकी है और पहचान चुकी है। कमलनाथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकुलनाथ भी मौजूद थे।